उसरे ने रोला डाला हुआ है, मैनू ला लियो। ओए बेड़ा चेक करो। ओए ओए तो चाचू भी ना खड़े नीचे एंजॉय कर, परेशान खड़े हैं। फिर मैंने भी झूले लेने थे। आ मेरा तरो निकल गया इन्हें। आंखें बंद करके बैठो। ओ उम्मीद करता हूँ कि मैं तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का विराम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, कमाल की कटाई की है और गन्ने भी इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो आज मैं उन गन्नों को ट्राली पर लोड करवाना है और सारा दिन बस काम काज में लगा रहा हूँ, क्योंकि लोग गन्ने भी छींट रहे थे, साथ साथ वो जो पत्ते हैं उनको अलहदा कर रहे थे, फिर ढेरियाँ लगाएं तो उनका भी ध्यान करना पड़ता था। वो सारा काम आज किया है। अभी ना ट्राली आने वाली है और उस ट्राली पर ना गन्ने को लोड करना है, लेकिन ना ट्राली को उस खेत में लेके जाना है और उसके लिए रास्ता भी बनाना है। आके ना उस रास्ते को भी देखते हैं कि रास्ता, एक ट्रैक्टर वाला आया उसने रास्ता बनाया है, देखते हैं कि रास्ता ठीक बनाया है या नहीं ठीक बनाया। तो फिर चलते हैं खेतों वाली साइड। अच्छा तो मैं आ चुका हूँ इधर कमांड वाली साइड। इधर आप देख सकते हैं ये सारी ढेरियाँ लगी पड़ी हैं और ट्रैक्टर वाले के जिम्मे मैंने लगाया था भाई रास्ता बनाना है। उसने भाई रास्ता कुछ इस तरह का बनाया है, देखें एक रैंप बना दिया है उसने। तो जो खेत बने हुए थे ना उसको उसने रोटी वाटर के जरिए ख़त्म कर दिया और ये सारी जगह आप देख रहे हैं थोड़ी सी नरम हो चुकी है और थोड़ी सी प्लेन भी हो चुकी है। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं इसी रास्ते पर ट्राली जाएगी आगे खेत तक। तो ये जो सारी ढेरी पड़ी है ना गन्नों की, तो सारी गन्नों की ढेरियाँ उठा के ना उस ट्राली पर लोड करेंगे। फसलों वाली साइड ना ट्राली आ चुकी है और इधर एक आदमी काम कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि भाई गन्नों को ट्राली पर लोड करना, लेकिन उसने मुझे 10-12 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक वो पहुँचा नहीं है। बस उसको लेने आए हैं इधर, तो इस आदमी को हम लेने आए हैं इधर से। अच्छा भाई ट्राली आ गई है, आपका इंतज़ार हो रहा है। तो माशाल्लाह भाई ट्राली भी इधर आ चुकी है, जो रास्ता हमने बनाया है उसी रास्ते पर आई है। ये देखें उधर है जी सामने सड़क पक्की और इधर ट्राली पर खेत में आके खड़ी हो गई है और इधर गन्ने भी लोड हो रहे हैं। हाँ जी, तो अभी मैं भी इधर पड़ आया हूँ। और इधर है जी अब्बू जी। अब्बू जी ने पहले ही आपको दिखा दिया होगा कि अब्बू जी ना गन्ने जो है वो उसकी ना लोडिंग करवा रहे हैं ट्राली पर, ऊपर ना गन्ने जो लदवा रहे हैं। तो सीधे ना ये गन्ने लेके जाएंगे उधर ना, उसका क्या नाम होता है, कंडे पे लेके जाने हैं, कांटा होता है गन्ने वाला। हाँ जी लेके जाएगी। हाँ जी फिर जो लोड कर रहे हैं उनकी मजदूरी बनेगी। हाँ जी और ट्राली वाले का जो किराया वो बनेगा, कच्ची तरह लेके गई उसका किराया भी देना है। हाँ जी। अच्छा जब बाकी के पैसे बचे जो बचेंगे ना वो मेरे। इसी मतलब के गन्ने की खुशी में ना आज आपने ना रात को मैं मेले पे ले जाना है। जी बिल्कुल लेके जाऊंगा। पहले आदमी वाला मेला था वो खत्म हो गया, अब औरतों वाला मेला है जी। तो फिर आपको पता है सार भी घर में कैसी है, उसको घुमा के भी ले आएंगे और उसको कुछ शॉपिंग भी करवाएंगे और उसके बाद झूले भी लेंगे। आपके बहाने मैं भी झूले ले लूंगा। ये सारी ट्राली जो है ना वो गन्नों से लोड हो चुकी है, तो अभी इस ट्राली को लेके जाना कांटे पे जाकर इसका वजन करवाएंगे और फिर वहाँ पे ना इन गन्नों को ना बेच देंगे। और इधर आगे एक ट्रैक्टर जो वो भी लगा हुआ है ट्राली के, एक और ट्रैक्टर जो वो मंगवा लिया है, वो ट्रैक्टर ना इस ट्रैक्टर ट्राली को ना आगे से खींचेगा, क्योंकि ये जगह ना बिल्कुल ना नीचे है, तो ऊपर इस साइड एक चाड़ी सी है तो इसके ऊपर चढ़ना है, क्योंकि पीछे वजन काफ़ी ज़्यादा है। अगर दूसरा ट्रैक्टर ना होना तो फिर ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फिर दूसरा ट्रैक्टर जो है वो भी मंगवाया है। ये लें जी माशाल्लाह से ट्राली निकल गई है। तो अभी जाते हैं सीधा कांटे पे जाकर इन गन्नों का वजन जो है वो करवा के आते हैं। माशाल्लाह गन्ने का वजन करवा के कांटे से मैं वापस घर आ चुका हूँ और रात के तकरीबन कितने बज चुके हैं, 7:15 मिनट हो चुके। हाँ जी ठीक है ना। तो आते ही कोई बच्चे इधर आप देख सकते हैं चिमटे हुए हैं मुझे। हाँ भाई क्या प्रोग्राम है बता दे, आपने व्यूअर्स को बताया ना क्या प्रोग्राम है, अभी क्या करना है, किधर जाना है? आज मेले पे जाना है। आज मैं बच्चे इसरार कर रहे हैं मेले पे जाना है साथ भी और ज़रेज शहरी और मुबशिर, क्योंकि औरतों वाला मेला लगा हुआ है और वैसे भी मर्दों की रशन का काम हो चुकी है। बच्चियां बच्चे सब जो है ना इन दिनों में, यानी कि जब औरतों वाला मेला शुरू होता है तो वो झूले भी लेती है, अपनी खरीदो फरोख्त भी करती है। तो साथ भी कर देगी और साथ साथ शहरी और ज़रेज जो है ये भी घूम भी लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे और झूले भी ले लेंगे। हम घर से निकल चुके हैं और आगे आगे देखे भाई ज़रेज शहरी और मुबशिर जा रहे हैं।
और हम भाई पीछे पीछे जा रहे हैं। चलें मेले वाली साइड हम पहुंच चुके हैं, इधर ये फांडे वगैरह देख ले। पहले झूले ले लेते हैं और फिर बाद में खरीद फरोख्त करेंगे। अभी हम लोग झूले वाली साइड आ चुके हैं, इस साइड ये सारे झूले देखे और इधर अभी बेड़ा जो है वो चल रहा है, लेकिन इस साइड भी पहले ना झूले थे और दुकानें वगैरह थी, क्योंकि मेला जो है इससे इसका खत्म होने वाला है और सारे झूले जो है वो भी अब इधर से ना खत्म हो चुके हैं, और इस साइड मिठाइयों वाली दुकानें थी वो भी ना सारी चली गई है। तो फिलहाल अभी हम लेने लगे हैं झूले। बाजी का आज पहला दिन है मेले में, पहले हम मात्रे मेले क्योंकि ना पहले ना मर्दों का मेला था, अब वो लड़कों का, तो अभी ना लेडीज का शुरू हो चुका है। अभी हम चढ़े जी ऊपर झूले पे, झूला लेते हैं सबसे पहले। तो ये ना गाड़ियाँ हैं तो ये दायरे में घूमती हैं। अभी हमने झूले पे बैठ चुके हैं, ज़रीज शहरी और बाजी जो है ना आगे बैठे हुए, ये आगे गाड़ी है, ये ना गाड़ी है, ये कारें हैं, तो ये ना दायरे में घूमती है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखे कुछ इस तरह की है, तो ये झूला भी चलेगा क्या? अच्छा ये गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल है। और इधर रहा जी मेरे साथ रेस, तो फिर वो ना बेड़े से बड़ा डाल लगा, रेस कहता मैंने बेड़े पे नहीं चढ़ना। अभी फिलहाल इधर बैठे देखते हैं बेड़े से कितना चढ़ेंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इधर चले, अभी ना ये गाड़ियाँ जो है चलने शुरू हो गई हैं, क्योंकि इधर सब पीटर जो उसने चला दिया है, तो अभी ना ये गाड़ियाँ घूमेंगी। शहरी इसने रोला डाला हुआ है, और इधर देखें इधर उसने ना भगानी शुरू कर दी है डोली। जी अभी ना कारें जो है वो चलना शुरू हो गई, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी ना स्पीड जो है ना ये तेज कर देगा, ये देखें। इसमें ना असल में मसला ये कि चक्कर आ जाते हैं। ये ले जी चक्कर आ रहे हैं, ओए मेरे तो सर घूम रहे हैं इसमें, असल में ना ये गोल गोल घूमते हैं तो सर जो है ना वो भी घूम जाता है। पकड़ के बैठ, पकड़ के चक्कर आ जाते हैं। मजा आया शहरी, मजा आया है शहरी का सर घुमा हुआ है। तो अभी हम चढ़ने लगे हैं जी इस पे, पहले हमने गोल गोल घूम लिया, अब ऊपर से ना नीचे वाली साइड घूम लेते हैं, ये देखें। और इधर खड़े ये भी अबू जी अभी ना पैसे दे रहे हैं, तो इधर हम डोलियों पर भी बैठेंगे और इनके ऊपर भी लेंगे हम झूले। ज़रीज़ ने रोला डाला हुआ है, मैनू ला लियो। हम ना डोलियों पर भी बैठ चुके हैं, बाजी ज़रीज़ आगे बैठे, शहरी और अबू इधर मेरे साथ बैठे हैं। और इधर रहा जी बेड़ा, बेड़ा जो है ना वो भी अभी चल रहा है, ये देखें जी। डोली में बैठ चुके हैं, तो फिलहाल हम डोली के टॉप पे बैठे हुए, क्योंकि नीचे भी डोली जो फिल कर रहे हैं, जब सारी डोली फट जाएगी ना तो उसके बाद फिर डोली जो चलेगी। लेकिन मैं इधर से ना आपको अपने गांव का पूरा नज़ारा जो वो दिखा दूँ। ये देखे ना मेला जब वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो लेडीज़ के मेले के बाद ना मेला खत्म हो जाता है, और इससे दरबार की सारी लाइटें जो वो भी उतर चुकी हैं, ये देखे। और इधर से ना आप सारा देख रहे होंगे व्यू हमारे गाँव का, और मेले का व्यू भी देख लें सारा इधर, ये देखे। तो ये सारी दुकानें लगी हुई हैं। और किसकी बात हो रही है आपसे? भाई सदाकत का फोन आया, वो कहता कि मैं भी मेले पर आ रहा हूँ। मैं चाचा सदाकत भी आ रहे हैं, आ रहा है। मैंने कहा हम दोनों में बैठे हैं, आ जाओ आ जाओ। और इधर है जी चाचू, चाचू सदाकत भी ना पीछे आ चुके हैं, तो कॉल किए जब उन्हें आ जाओ, तो चाचू ना फौरन आ चुके हैं, हाजिर हो चुके हैं। तभी ना चाचू खड़े देख रहे हैं कि अगर डोली पे मूड बना बैठेंगे ही नहीं तो फिर हमारे साथ बेड़े पे बैठेंगे। मैंने अपनी सीट जो वो भी छोड़ दी, मैं बेचारे गुस्सा बैठा हुआ, तो डोली हिलती है, डर लगता है इससे। मेरा तरह निकल गया इन्हें, आंख के बाल करके बैठो। ओ अबू जाओ पूछ ले, आंख के बाल कर रोना नहीं है, ठीक है ना? बस रोने वाली हालत हो गई है यार, कसम से। बोलो पर हट, ऐवे डर रहे सारे, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पकड़ के बैठो, हम नहीं गिरते इससे, ये ऐवे टेंशन लेके बैठे हैं। इधर शहरी को देखो, शहरी पक्का है अभी रोक रहा है बस रोक रहा है ना, खत्म हो गई है। शहरी खुश बैठा है, वो रोने लग गया है, वो देखो इसकी आंखें, देखो पहले आंखें चेक करो, आंखें बाहर आ रही है, दिखाओ। खुद कहा कि मैंने झूला लेने हैं, हम तो शहरी के वहीं से डर रहे थे कि शहरी ना डरे। बिल्कुल
पक्का रहा। तो अभी ना वो झूले जो हमारे हो चुके हैं तो अभी ना वो नीचे उतार रहा है, चला रहा है और डोली से झूले ले लिए हैं। तो अभी हम नीचे उतर चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बेड़े पे झूले लेने के लिए। जो जुरेज, जुरेज तो नहीं ले रहा बल्कि शहरी बाजी, मैं और चा सदाकत, हम ना चारों जा रहे हैं झूले लेने के लिए। और जुरेज और अबू जी जो है ना वो खड़े हुए जी नीचे। तो अभी हम ना बेड़े की टिकट जो ले रहे हैं और अभी चढ़ेंगे इस बेड़े पे। बेड़े पे ना हम आ चुके हैं, तो अभी ना काफ़ी ना नीचे आवाम खड़ी है बैठने के लिए। जब ये सीटें पूरी होंगी तो बेड़ा भी चलेगा। तो हम आ चुके हैं, अभी ना कुछ ना आदमी ऊपर आए खड़े हैं। इधर बाजी, शहरी और चाचू जी बैठ चुके हैं। तो बेड़ा मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, अंदर से ना कुछ इस तरह सीटें वगैरह लगी हुई हैं, ये देखें। तो अभी ना बेड़ा ये सारा फुल हो जाएगा ना, उसके बाद फिर चलेगा। देखें ना कुछ इस तरह बेड़ा है, जो ऊपर से ना कुछ इस तरह लोहा जो लगा हुआ है, ये देखें। तो डेकोरेशन वगैरह जो है वो भी की हुई है कलरफुल लाइटों के साथ, ये देखें। बेड़ा जो है चालू हो चुका है और अभी ना शोर जो है काफी हो रहा है, मेरा त्रो निकला हुआ। ओए होए, ओए होए, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे सही है, रिस्क नहीं लेने का क्योंकि काफी खतरनाक भी है और मजा भी आता है इसमें। रुक गया, झूले खत्म हो गए हैं, सारे ना नीचे उतरने लग गए। और इधर हाजी शहरी, मजा आया, मैं भी ठीक हूं मानो। ओ लाइट भी चली गई। अच्छा भाई हम मेला घूम के आ चुके हैं, अब बच्चे भाई आज मेला लूट लिया है, सभी ने छोटे बड़े खिलौने के लिए और खाने में हमने इधर मीठी मीठी और ताजा ताजा जलेबी ली है। और ये नौ दिन को का पैकेट, और ये भाई जिसको का पैकेट लिए हैं, बड़ी मजे की बात है, बताने की भी बात है, क्योंकि सभी को इसी तरह सोच रखनी चाहिए। क्योंकि ना एक आदमी मजदूर था, अपना दाल नींबू रेवड़ी वगैरह वो किसी चीज बेच रहा था, भाई मैं जब गुजरा तो मैंने इस तरह सोचा कि मैंने उसको 50 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। वो कहता है कि मैंने खुद चीज बेचनी है और उसकी कीमत लूंगा, मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा। फिर हमने उससे नींबू ली, कुछ और भी नींबू हमने ली है, तो उसने पैसे भी वैसे नहीं लिए। वो कहता है खुद मैं मेरे काट के खाऊंगा। तो ये जो लोग अक्सर हमने देखे हैं कि हमारे इलाके में बड़ी लाशें हैं उनकी, और पैसे मांगते हैं, मांगते हैं अपना खुद। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनसे ना मतलब अगर जरूरत नहीं है ना, फिर भी कोई ना कोई चीज खरीद लेनी चाहिए। हाँ। वो हकदार होते हैं इस चीज के। हालांकि वो मजदूर था, वो चल भी नहीं सकता था, हमने उसको पैसे ऐसे दिए, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा। तो बड़ी खुश की बात है अगर सभी लोग इस तरह की सोच रखना शुरू करते हैं। तो जो आज हमने भी खरीद फरोख्त की है वो इस तरह की है कि भाई ये फाल दिया है, ये है हिस्सा हर का फाल। तो हर का भी लगता है बस नहीं, वैसे तीन पार है, वैसे तो भी इसे यूँ समझो बैठ के बैठा देना है। क्या बात, एक काम शान है, छड़ लो। ये है जी भाई शहर की गाड़ी, इसको पूरे मेले में ना ये पसंद आई, ये पसंद आई। और साथ ये, हाँ ये भी शहर की है, ये भी शहर की भी है। छोटी छोटी चीजें इसको पसंद आती है, ये खूब छोटा है ना, इसलिए छोटी चीजें पसंद की है। और दूसरी बात ये है, उसने ये ली है भाई सहर ने ये मेले पे, वहां से उसने जो चूड़ियां ली है आपकी अम्मी के लिए बतौर गिफ्ट, अम्मी को मैं गिफ्ट दूंगी। ये देखें चूड़ियां, थोड़ा जूम करके दिखा लिए, ये देखें इस तरह की कुछ चूड़ियां ली है, ये आज भी सहर की तरफ से अम्मी के लिए गिफ्ट। तो यही था भाई हमारा मेला, हमारा भी बच्चों का मेला। बाकी रही जलेबी, चाय बनाएंगे जलेबी खाएंगे।